हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अंशुमन। तो आज मैं आपको अपना हेयर ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बालों के गिरने की वजह से बहुत परेशान था, तो मुझे फिर दादू क्लिनिक के बारे में पता चला। यहाँ पे मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, दो दिन मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। दो सेशन में मेरे 3500 के आसपास ग्राफ्ट लगे हैं। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ के लिए बहुत अच्छा रहा। सारे स्टाफ बहुत अच्छे थे, डॉक्टर की टीम बहुत अच्छी थी और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ अपने हेयर ट्रांसप्लांट से। और बाकी के रिजल्ट जैसा होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। जब हमने अंशुमन का स्कैल्प एनालिसिस किया था सर्जरी से पहले, तो उसमें काफ़ी हद तक हमें पता चला कि थिनिंग हो चुकी है डोनर एरिया की भी, तो हमें पता था कि हमारा हो सकता है थोड़ा प्लान ऑफ सर्जरी चेंज होगा। तो वही हुआ कि हमने जब डे वन पे इनकी सर्जरी करी तो हमें समझ में आया कि हमें सिंगल ग्राफ्ट ज़्यादा मिल रहे, तो हमने थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी और हमने हेयरलाइन को कैसे डेंसर रखना है और क्राउन एरिया में कितनी डेंसिटी देनी है, वो हमारा प्लान चेंज हुआ, वैसे प्लान किया। बट येस, हमने अराउंड 3500 to 3600 ग्राफ्ट इनके कम्प्लीट किए हैं दो दिन में, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। तो अब हमारी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी जो हमने अंशुमन के लिए प्लान की थी वो कम्प्लीट हो गई है। हमें दो दिन लगे इसको करने में। एक बार अंशुमन से जानते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैम, बढ़िया था, बिल्कुल पेनलेस था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। तो जो हमने आपको हेयरलाइन बना के दिखाई और हमने जैसे प्लान किया है, डू यू थिंक कि आपको लग रहा है यू आर सैटिस्फाइड? उसका रिजल्ट मुझे लग रहा है बहुत अच्छा आएगा। चलिए, ग्रेट। वी आर एक्सपेक्टिंग कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे एंड ही विल बी सैटिस्फाइड विद व्हाटएवर वी हैव डन फॉर हिम। थैंक यू।